प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 13.1। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका पढ़ेंगे अपन सवाल नंबर चौथा। चौथा सवाल देखना लिखा है, एक डिब्बे में 9.375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला, यानी उस डिब्बे में पेंट भरा है और इसमें इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी माप वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। देखना, पहले तो डिब्बे में भरे पेंट का क्षेत्रफल 9.375 वर्ग मीटर दे रखा है। इसको वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको गुणा किया तो ये आ जाएगा। अब हीट का माप दे रखा है 22.5 मीटर, ये लंबाई है, ये का मान और ये चौड़ाई का मान और ये ऊंचाई का मान। अपने पास एक ईंट का संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो 2 × लंबाई × चौड़ाई, चौड़ाई × ऊंचाई, ऊंचाई × लंबाई। यहाँ मान भर देंगे, एल का मान, बी का मान भर देंगे, एच का मान भर देंगे, सारे मान भर देंगे इसके। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 75, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 168.75। फिर इन सबको प्लस कर देंगे तो 468.75 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे 937.5 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या और यहाँ पर कुल क्षेत्रफल है 93,750। इसमें ईंटों की संख्या इसका क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। यहाँ से पॉइंट टाइम तो 10 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे 10, 10 को 10 से गुणा किया तो 100 ईंटें आ जाएंगी। तो देखना, अपने पास पूरी 100 ईंटें आ चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार अपन अगला सवाल देखो। अगला सवाल करेंगे, एक पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से निर्मित है और इसकी माप दे रखी है 30 सेमी, 25 सेमी, 25 सेमी। पहले पूछ रहा है कि पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, देखो पौधा घर की माप है, लंबाई 30, चौड़ाई 25, ऊंचाई 25। पौधा घर का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल 2 × लंबाई × चौड़ाई, चौड़ाई × ऊंचाई, ऊंचाई × लंबाई, 2 लंबाई का 30, चौड़ाई का 25, फिर 25 × 25 और 25 × 30, इनको गुणा करके प्लस कर देंगे और ये गुणा कर देंगे। 12 किनारों के लिए टेप की मात्रा पूछी है तो 12 किनारे, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, 4 को ले लिया, 1 + b + h, 4, 30, 25, 25, 4 को से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 320। इस प्रकार से हम इसके दो सवाल कर लेंगे, सही सवाल आगे पढ़ेंगे।